सो स्टूडेंट्स अपना जो फर्स्ट एक्सपैरिमेंट हैगा टू कैलकुलेट रेजिस्टिविटी ऑफ अननोन वायर, ठीक है। सब तो पहला सानू पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस किहदे इक्वल हैगी है, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर एरिया। सो इहदे विच असीं वायर की रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो वायर की असीं लेंथ पहले दी की कर लेंगे, मेजर कर लेंगे विद द हैल्प ऑफ स्केल। जिहड़ा एरिया है वो किहदे नाल मेजर करांगे, विद द हैल्प ऑफ स्क्रू गेज, विद द हैल्प ऑफ स्क्रू गेज। ये एक्सपैरीमेंट प्लस वन दे विच परफॉर्म किया, ठीक है। जी रेजिस्टेंस असी कितों कैलकुलेट करा, ओम्स लॉ तो करा, कि ओम्स लॉ तो आई तो बी की असी वैल्यूज़ लैके ग्राफ नोट करा, उस ग्राफ तो उपर दो पॉइंट लैके डेल वी डेल आई की वैल्यू कैलकुलेट करा, रेजिस्टेंस कि आ जाएगी डेल वी ओवर डेल, ठीक स्टूडेंट्स। सो देखो आप मैं तुम्हें दसदा कनैक्शन यदा, ए पॉजिटिव टर्मीनल आ, ठीक है, ए बैटरी आ, इधर ए मीटर कनैक्ट करा असी पॉजिटिव वह नैगेटिव। नैक्सट इतने की होएगी अपनी रजिस्टेंस वायर होएगी, ठीक है, वायर यहाँ अं वोल्ट मीटर खिंच लगावे पैरल, इधर पॉजिटिव आ रहा ना, इधर इन एक ए पॉजिटिव टर्मिनल इन्हें कनैक्ट करा अं वोल्ट मीटर, ठीक है, ये पैरल च लगा रहे हैं रजिस्टेंस के। हुण इधर की होएगा, इतने की लगी होएगी नैगेटिव टर्मिनल के नाल, तो इतने की लगे होएगा नाल रियोस्टैट, ठीक है। हुण ए जिहड़ा रियोस्टैट है इहदा की काम हैगा, इन्हें किनू वेरी करना, करंट नू वेरी करना, टू वेरी करंट, ठीक है। यह अपनी की आ, ठीक है, की दे नाल असीं सर्किट नूं क्लोज़ करांगे ते ओपन करांगे। जे डॉट लगे तां मतलब क्लोज्ड है, जे डॉट नहीं लगे तां मतलब ओपन आ, ठीक है। चलो आपां नूं एक्सपैरीमेंट नूं परफॉर्म करते हैं। लेंथ ते जिहड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन असीं बाद विच मेजर कर लांगे, पहलां आपां इहदी वी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ते आई ए रीडिंग्स असीं नोट करते हैं। तो सब तो पहले इहदे लई तुहानूं की पता होना चाहिए, तुसीं आ देखो कनैक्शन तुहानूं दिखा दिंदे आ। ए बैटरी लिमिनेटर है, किनू किहदे च कन्वर्ट करता, ए सी सप्लाई नू डी सी सप्लाई, यही रैक्टीफायर दे विच कर चुके हैं, डायोड इज ए रैक्टीफायर, ए डायोड वगैरह लगे हुए हैं, वो ए सी सप्लाई नू ट्रांसफॉर्मर डायोड लगे हैं, ए सी सप्लाई नू डी सी सप्लाई दे विच कन्वर्ट करते हैं। सो डी सी सप्लाई अं इनू इतों लै रहे हैं, इहदा पॉजिटिव टर्मीनल जिहड़ा किहना कनैक्टड आ एम मीटर दे पॉजिटिव नाल, नैगेटिव किहना कनैक्टड आ, देखो नैगेटिव किहना कनैक्टड आ वायर दे नाल, वायर नू ही सीरीज़ विच लगाया, ठीक है। फिर वायर दा जिहड़ा दूजा टर्मीनल आ उहनूं असीं किहना कनैक्ट कीता, इस टर्मीनल कनैक्ट करके इनू असी रियोस्टैट द फस्ट टर्मीनल कनैक्ट किया, रियोस्टैट का जोड़ा सैकंड टर्मीनल आनू की दे फस्ट टर्मीनल कनैक्ट किया, की का जोड़ा सैकंड टर्मीनल आनू असी बैटरी के नैगेटिव टर्मीनल के नाल कनैक्ट किया, ठीक है जी। सो देखो जो वोल्ट मीटर ने पैरल लगा आ, वोल्ट मीटर पैरल च लगा आ, इधरों पॉजिटिव आ रहा ना, इधर पॉजिटिव होएगा इधर नैगेटिव होएगा, ए वायर सीरीज़ दे विच लगी हुई है, ठीक है, ए जी वायर है यह सीरीज़ दे विच लगी हुई है, ठीक है। ए वायर जी असं की कैलकुलेट करांगे, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करांगे, ठीक है, इहदी लेंथ मेजर करांगे ते एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन भी मेजर करांगे, ठीक है। सब तो पहले असीं इहदा ओम्स लॉ नूं, इह तुहाडा ओम्स लॉ वाला ही ऑपरेटर हैगा तुहाडा सारा, सो इहदे नाल असीं वी ते आई दी वैल्यू कैलकुलेट करांगे, ठीक है। सो तुहानूं मैं एक प्रॉपर टेबल प्रोवाइड कर दांगा तुहानूं, ठीक है, पिक्स तुहानूं भेज दांगे, वो तुसीं टेबल दे विच वैल्यूज़ नोट करनियां ने, ठीक है। सो स्टूडेंट सब तो पहले अं लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे, ए देखो तुहाडा वोल्ट मीटर आ, असीं देखांगे कि इहदी वन डिवीज़न किन्ने वोल्ट दे इक्वल हैगी है, ठीक है। हुण देखो फस्ट 10 डिवीज़न किहदे इक्वल हैगे ने, 0.5 वोल्ट दे इक्वल हैगे ने, ठीक है। 10 डिवीज़न इज़ इक्वल टू 0.5 वोल्ट एंड 1 डिवीज़न इज़ इक्वल टू 0.05 वोल्ट। ए तुहाडा एम मीटर है, ठीक है, एम मीटर इहदियां 10 डिवीज़न किहदे इक्वल हैगे ने, 100 मिली एम्पीयर दे इक्वल हैगे ने, ठीक है। सो इहदा लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लांगे, 10 डिवीज़न इज़ इक्वल टू 100 मिली एम्पीयर एंड 1 डिवीज़न इज़ इक्वल टू 10 मिली एम्पीयर, ठीक है। लीस्ट काउंट आ गया हुण तुहाडा, हुण असीं इहनूं ऑपरेटर नूं ऑन करके स्विच ऑन करके बैटरी तों असीं रीडिंग कैलकुलेट लैंदे हां, ठीक है जी। तो सब तो पहलां तुसीं रीडिंग इहदी डायरेक्ट नोट करनी आ, एम मीटर तों नोट करो किन्नी रीडिंग आ रही, किन्नी डिवीज़न आ रही ने, 5, 6, 7th डिवीज़न आ रही है, ठीक है, थोड़ी एग्जैक्ट 7th डिवीज़न, 7th डिवीज़न इनू मिली एम्पीयर दे विच किवें कन्वर्ट करांगे, किहदे नाल मल्टीप्लाई करके 10 मिली एम्पीयर नाल, ठीक है, किन्नी हो जाएगी थोड़ी 70 मिली एम्पीयर। इहदे कोरसपोंडिंग असीं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नोट करांगे, इह ध्यान नाल देखो किन्नी डिवीज़न आ रही है, सैकेंड डिवीज़न आ रही है जी, ठीक है, जीरो वाली विच नहीं लैनी तुसीं, सैकेंड डिवीज़न। सो तुहाडी इह 1 डिवीज़न किहदे कोल है, 0.05 वोल्ट दे, इह तुहाडी वोल्ट दे विच आ रही है, इहनूं कैलकुलेट कर लेना, फर्स्ट रीडिंग, सैकेंड। देखो हुण रियोस्टैट आ, रियोस्टैट तो असीं करंट वेरी करांगे इत्थों, ठीक है,
तो तुमने एरिया उस तो फिर वैल्यू करंट में वेरी किया। हूँ देखो तेरे वोल्ट मीटर की कितनी रीडिंग आ गई, 3 divisions आ गई। ठीक है, वोल्ट मीटर 3 divisions, ये कोरसपोंडिंग करंट की देखो कितनी डिवीजन आ गई, 10, 15, 16 divisions। ठीक है, 16 divisions इनू तो मिलीएम्पीयर में कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट थर्ड रीडिंग इतों वेरी करेंगे रियोस्टैट तो असी। ठीक है, देखो मैं वेरी कर रहा। ठीक है, हूँ देखो इनू एग्जैक्ट सैट कर लेंगे। देखो तुहाड़ी कितनी रीडिंग आ गई, 5 divisions आ गई वोल्ट मीटर से। ठीक है, एम मीटर से कितनी आ गई, एम मीटर से कितनी आ गई, 10, 20, 25, 26, 27 divisions। ठीक है, फोर्थ फिर इसी वेरी करांगे। ठीक है, हुण देखो वोल्ट मीटर तुहाडी कितनी रीडिंग आ गई, 5, 6, 7 divisions आ गई। ठीक है, वोल्ट मीटर से इधरों तुहाडी कितनी डिवीजन आ गई, 10, 20, 30, 40 divisions। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, इतों असं करंट वेरी करांगे। ठीक है, हुण देखो वोल्ट मीटर दी सॉरी हुण देखो हुण किन्नी रीडिंग आ वोल्ट मीटर दी किन्नी आ, 5, 6, 7, 8, 9, 9 divisions। ठीक है, ये कोरसपोंडिंग करंट इधर देखो 10, 20, 30, 40, 45, 46 divisions। ठीक है, यदा तुसी ग्राफ ड्रॉ कर लेना, वी ते आई दे विच ग्राफ इदा दा आएगा, दो पॉइंट लेने तुसी, डेल वी आएगा इधर डेल आई। ठीक है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे डेल वी ओवर डेल आई। ठीक है जी, सो इदे नाल तुहाडा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट।